डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 8th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट इंग्लिश की एक्टिविटी नंबर 12 को समझेंगे। ये जो एक्टिविटी है तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये इनकम्प्लीट है, यानी ये कम्प्लीट नहीं दी गई है यहाँ पर। तो जितनी भी है ये एक्टिविटी उतनी को ही मैं समझाने की कोशिश करूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि इस एक्टिविटी में क्या बताया जा रहा है। तो इस एक्टिविटी में पहले हम देख रहे हैं कि इसके लर्निंग आउटकम्स है, कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स क्या है, यानी इस एक्टिविटी से हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। तो फर्स्ट है, राइट्स अ कोहेरेंट और मीनिंगफुल पैराग्राफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग एंड फाइनलाइजिंग। कि हम एक मीनिंगफुल, बामाना और कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे। कैसे? प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग और फाइनलाइजिंग के जरिए। अब इन पूरे वर्ड्स की मैं मीनिंग आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। सेकंड है, राइटिंग एन एसे, किसी एसे को लिखना, किसी मजमून को लिखना। अब ये ऊपर जो वर्ड्स आए थे, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग और फाइनलाइजिंग, तो ये क्या होता है? तो किसी भी एसे को जब हमको लिखना होता है, किसी भी टॉपिक पर हमको मजमून लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं कि पहले हमारे माइंड में हम उसका एक नक्शा बनाते हैं, खाका बनाते हैं। तो जैसे हमको लिखना है कि मोबाइल फ़ोन के यूजेज, तो जब हमको कहा जाए कि इस पर आपको एक मजमून लिखना है, तो आप क्या करेंगे कि इसके बारे में सोचेंगे कि एक मोबाइल फ़ोन के यूजेज क्या क्या होते हैं। तो उसी को यहाँ पे ड्राफ्टिंग कहा जाता है, कि हम पहले सोचें कि मोबाइल फ़ोन के यूजेज क्या क्या होते हैं, मोबाइल फ़ोन क्या है, उसके यूजेज क्या होते हैं, अच्छे यूजेज क्या है, बैड यूजेज क्या है, कैसे हम बैड यूजेज से बच सकते हैं, बैड अच्छे यूजेज को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इस तरह के पूरे जो प्रोसेस है, तो पूरी चीज़ें हैं तो आपके माइंड में आ जाएंगी। तो इसी को ड्राफ्टिंग कहते हैं, कि हम इसका एक नक्शा, एक खाका पहले बनाते हैं। रिवाइजिंग, रिवाइजिंग यानी ये कि फिर आप उसको लिखेंगे, उस ऐसे को लिखने के बाद में आप दोबारा उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे कि जो कुछ मैंने लिखा तो वो सही लिखा कि नहीं लिखा। फिर इसके अंदर आपको लिखने के बाद में पता चलेगा कि कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें ख़राब आ गई, कहीं पे आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कहीं पे आपने ऐसा लग रहा है कि कोई सेंटेंस एक्स्ट्रा हो गया, कोई सेंटेंस कम आ गया, कहीं पे आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ें ऐड हो जानी चाहिए। तो उसमें फिर आप क्या करेंगे कि ये सब देखने के बाद में आप क्या करेंगे कि आपके ऐसे को आप क्या करेंगे, एडिट करेंगे, यानी उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली करेंगे, थोड़ी सी चेंजेस लाएंगे। तो उसी को कहते हैं एडिटिंग, कि आपने जो कुछ लिखा तो उसको आप रिवाइज़ करने के बाद में जो उसके अंदर चेंजेस लाना है तो उसको आप एडिट करेंगे। फिर एडिट करने के बाद में आपको लगेंगे कि आप ये एकदम अच्छा बन गया आपका ऐसे, तो आप उसको फाइनलाइज़ करेंगे, यानी एक अच्छे रूप में उसको, अच्छे शक्ल में आखिर में लिखेंगे, फाइनलाइज़ करेंगे उसको, लिखेंगे कि अब ये फाइनल है। तो ये होता है ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग और फाइनलाइजिंग। और थर्ड चीज़ जो हम सीखेंगे वो है अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स। के आप क्रिएटिव राइटिंग को लिखना सीखेंगे कि कैसे आप क्रिएटिव वे में, क्रिएटिव अंदाज में लिख सकते हैं अलग अलग शक्ल में। आपको जो लिखने का, आपने देखा होगा कि आपकी जो जैसे टेक्स्ट बुक है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, लिटरेचर के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे हिस्टोरीज कहानी होती है, पोम्स होती है यानी नज़में होती है, स्किट्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, कार्टून्स होते हैं, जोक्स, लतीफ़े, प्ले या ड्रामे होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं ये आप इस एक्टिविटी से सीखेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या निर्देश है, क्या हिदायत है, उनको इस एक्टिविटी में क्या करना है। डिक्लेयर दैट द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू राइट अ स्टोरी। इस बात को डिक्लेयर करें, इस बात को बताइए कि स्टूडेंट एक स्टोरी को, एक कहानी को लिखेंगे। राइट द वर्ड्स, कैरेक्टर्स, सेटिंग्स एंड टाइम ऑन द बोर्ड्स। कि आपको बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखना है कि कैरेक्टर्स, सेटिंग और टाइम, ये तीन वर्ड्स को लिखना है। कैरेक्टर किसे कहते हैं? कैरेक्टर्स किरदार को कहते हैं, यानी कोई भी स्टोरी होती होती है उसके अंदर किरदार होते हैं अलग अलग। जैसे चूहे और शेर की कहानी जो बहुत मशहूर है, आपको मालूम होगा, तो उसके अंदर दो कैरेक्टर है, चूहा और शेर। इसी तरह आपको एक वो कहानी मालूम होगी जिसमें एक बाप अपने बच्चों को बुलाता है और कहते हैं एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए देता है, जिसको सब बच्चे तोड़ देते हैं, फिर बाद में उन सब लकड़ियों को मिलाकर तोड़ने के लिए कहता है तो कोई नहीं तोड़ पाता। तो ये स्टोरी के अंदर आप देख रहे हैं कि एक बाप है, उसके अंदर उसके कई बच्चे हैं, तो ये स्टोरी के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। सेटिंग, सेटिंग यानी
दो चीज़ें होती है सेटिंग में, एक तो ये कि किस टाइम में हो रही है और किस जगह पर हो रही है स्टोरी। जैसे अकबर और बीरबल की कहानी, तो अकबर और बीरबल की कहानी में हम देखेंगे कि ये अकबर के हुकूमत के दौर में, हुकूमत के टाइम पे ये स्टोरी हो रही है। और कहाँ पर हो रही है, तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि वो दिल्ली में हो रही है, क्योंकि अकबर का जो जो मुगल दरबार होता था तो वो दिल्ली में होता था। टाइम कहाँ पर हो रही है, किस टाइम में हो रही है, कितने टाइम में हो रही है स्टोरी, तो ये सब आपको, ये तीनों चीज़ें होती है। एलिसिट एंड राइट द रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट द एलिमेंट्स मेंशन ऑन द बोर्ड। अब टीचर को ये लिखने के बाद में स्टूडेंट से पूछना है कि वो इन तीनों वर्ड से क्या समझते हैं। एलिसिट माने होता है रोशनी डालिए, प्रकाश डालिए, और फिर स्टूडेंट के जो भी इस पर रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो हर एलिमेंट के सामने इसको लिखिए, हर तत्व के सामने इसको आपको लिखना है कि बच्चे इन कैरेक्टर इन तीनों वर्ड से क्या समझ रहे हैं। और फिर बाद में उनको बताइए कि तीनों वर्ड्स के क्या मीनिंग होते हैं। गिव अ बिगिनिंग ऑफ अ स्टोरी, किसी भी स्टोरी की बिगिनिंग बताइए, शुरुआत बताइए। एलिसिट द फर्दर पार्ट ऑफ स्टोरी, और फिर उस कहानी के जो अगला हिस्सा है तो उस पर रोशनी डालिए, प्रकाश डालिए। यानी जैसे अब चूहा और शेर की कहानी है, तो चूहे और शेर की कहानी को शुरुआत बता दीजिए कि किसी जंगल में एक शेर रहा करता था, फिर एक बार वो सो रहा था। अब आगे की जो कहानी है तो वो बताइए। राइट द रिस्पॉन्सेज ऑन द बोर्ड, और फिर बच्चों से कहिए कि उस कहानी को कंप्लीट करें, और जो जो बच्चे बताते जाइए तो उसको बोर्ड पर लिखते जाइए। आस्क देम टू रिवाइज एंड सी इफ द स्टोरी इज डेवलप्ड एज डिजायर्ड। फिर उनसे पूछिए, उनसे कहिए, यानी बच्चों से टीचर कहेंगे कि वो रिवाइज करें, दोबारा दोहराइए, और देखो कि जो कहानी है तो जैसी चाह रहे थे हम कि वैसी ही डेवलप हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो बच्चों से कहेंगे कि दोबारा सेंटेंसेस को बनाइए, अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। इंस्ट्रक्ट देम टू कीप इट स्पेलिंग एरर फ्री एंड पंक्चुएशन एरर फ्री। बच्चों से कहिए, यानी स्टूडेंट से कहा जाएगा कि वो अपने सेंटेंसेस को स्पेलिंग एरर फ्री रखिए, यानी उनके अंदर स्पेलिंग की गलतियां नहीं आनी चाहिए, और पंक्चुएशन एरर फ्री, यानी पंक्चुएशन कहते हैं कि जहाँ पे फुल स्टॉप आने चाहिए, जहाँ पे कॉमा आने चाहिए, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आने चाहिए, जहाँ पे कोटेशन आने चाहिए, तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे बच्चों को बताइए कि इन सब की गलतियाँ नहीं आनी चाहिए। एडिट वेयर नेसेसरी, जहाँ पर भी ज़रूरी हो तो वहाँ पे उसको एडिट करना है, वहाँ पे उसको चेंज करना है। आस्क देम टू राइट डाउन द स्टोरी इन देयर नोटबुक, और फिर सबसे आखिर में बच्चों से कहा जाएगा कि वो अपने नोटबुक में उस स्टोरी को लिखिए। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए है क्या, यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन है, उनको क्या करना है, तो फॉर्म ग्रुप एज डायरेक्टेड, जैसे भी टीचर बताएंगे तो वैसे आपको ग्रुप बनाना है। गिव रिस्पॉन्सेस अगेंस्ट द वर्ड कैरेक्टर सेटिंग एंड टाइम, ये तीन वर्ड जो है, कैरेक्टर सेटिंग और टाइम, तो इसके बारे में जब टीचर पूछेगा तो आपको इसके बारे में बताना है। गो ऑन एडिंग टू द हैपनिंग्स ऑफ द स्टोरी, और जब टीचर कोई स्टोरी बताएगा तो उसके हैपनिंग के बारे में आपको ऐड करना है, यानी टीचर थोड़ा सा बता देंगे स्टोरी का पार्ट, अब आगे के जो पार्ट्स हैं तो वो आपको ऐड करना है, तो इसलिए आपको ऐड करते जाना है। रिवाइज एंड सी इफ द स्टोरी इज डेवलप्ड एज डिजायर्ड, आपको रिवाइज करना है, दोबारा देखना है स्टोरी को, और देखना है कि जैसे हम चाह रहे थे वैसी स्टोरी डेवलप्ड हुई या नहीं हुई। चेक फॉर स्पेलिंग एरर्स एंड पंक्चुएशन एरर, आपको देखना है कि आपके सेंटेंसेस में, यानी स्टूडेंट को ये देखना है कि उनके सेंटेंसेस में कोई स्पेलिंग की गलतियाँ तो नहीं आ रही, कोई पंक्चुएशन के एरर्स तो नहीं आ रही, गलतियाँ तो नहीं आ रही है। कॉपी द स्टोरी इन देयर नोटबुक, और उसके बाद में एंड पर ये करना है कि जो स्टोरी है तो उसको अपने नोटबुक में कॉपी करना है, नोट करना है। लर्निंग एक्टिविटी, लर्निंग एक्टिविटी क्या है, इन्हेंस्ड डेवलप थिंकिंग स्किल, यहाँ पे अपनी जो थिंकिंग स्किल है, यानी सोचने की जो सलाहियत है, महारत है, तो उसको आपको डेवलप करना है, उसको बढ़ाना है। यानी आपको अगर स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट भी दिया रहा है तो आप उसको देखिए, सोचिए, और उसके बाद में उसको और आगे आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके बारे में सोचिए। मेक्स चिल्ड्रन डेवलप देयर इमेजिनेशन स्किल, यहाँ पे चिल्ड्रन को, यानी बच्चों को अपनी इमेजिनेशन, सोचने की जो सलाहियत है, स्किल है, तो उसको डेवलप करना आपका काम है। यानी बच्चों को बताइए आप कि कैसे आप सोच सकते हैं, कैसे आप अलग अलग स्टोरीज को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। लर्न द प्रोसीजर ऑफ कंपोजिशन, और आपको कंपोजिशन के जो प्रोसीजर है, यानी किसी भी चीज़ को बनाने के, किसी भी स्टोरी को बनाने के जो प्रोसीजर होता है, तो वो आपको सीखना है। तो ये जो एक्टिविटी है यहीं तक है,
लेकिन आप इसको और आगे अच्छे से बढ़ा सकते हैं इस तरीके से कि आपको जो जो स्टोरीज मालूम है तो आप ऐसा कीजिए कि उस स्टोरी को अलग तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आप दूसरे तरीके से उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको प्यासे कौवे की कहानी मालूम होगी कि एक कौवा प्यासा था तो उसने गड्ढे में कंकर डाला और उसके बाद पानी पिया, तो लेकिन आप उसको अलग तरीके से सोचिए कि अलग तरीके से हम इस स्टोरी को कैसे बढ़ा सकते हैं। और जितनी भी आपको छोटी छोटी कहानियाँ मालूम हैं तो उसके बारे में सोचिए कि आप उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, और फिर उन कहानियों को, उन स्टोरीज़ को आप अपने नोटबुक में लिखिए। तो ये एक्टिविटी बस इतनी ही थी, इसीलिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। अगर आगे ये अपडेट हुई ये एक्टिविटी तो मैं फिर अलग वीडियो बनाकर इसको बताऊंगा और उसके जो लिंक है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस एक्टिविटी में जितना कुछ भी बताया गया तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।